नमस्कार, मैं हूँ प्रभा पांडे। प्रभास किचन रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। शाम को जब हम चाय पीते हैं तो हमें लगता है कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा लगेगा, तो चले शाम के खाने के लिए कुछ बनाते हैं। तो ये हमने सामान ले लिया है जिससे हमें स्नैक्स को बनाना है। तो ये हमने एक प्याज ले लिया है, छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक शिमला मिर्च ले लिया है और एक गाजर ले लिया है, एक कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है, एक कटोरी हमने मक्के का आटा ले लिया, दो हरी मिर्च है छोटे टुकड़ों में और एक टुकड़ा अदरक का है छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक चम्मच सीजनिंग है और एक चम्मच चिली फ्लेक्स है और ये हमने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लिया है और दो चम्मच हमने देसी घी ले लिया है और आधा चम्मच चाट मसाला है। तो चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये गैस पर हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच देसी घी, तो हमने देसी घी इसमें डाल दिया है और घी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो अदरक का टुकड़ा काट करके रखा हुआ है उसको, और ज़रा देर इसको भूनेंगे। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और इन दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस को हम इस समय एकदम धीमी कर लेंगे, नहीं तो मिर्च और अदरक हमारी जल जाएगी। तो इस मिर्च और अदरक को हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से नाप करके हमें दो कटोरी पानी डालना है इसमें, क्योंकि अगर हम दूसरी कटोरी से डालेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, उसी कटोरी से डालेंगे तो हमारा एकदम बराबर से बनेगा। एक कटोरी हमने डाल दिया, अब उसी में हम दूसरी कटोरी डाल दी, तो ये हमने दो कटोरी इसमें पानी डाल दिया। अब इसी में हम डाल देंगे ये सीजनिंग जो रखे हुए हैं और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये चाट मसाला डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब ये पानी हमारा उबलने लगा है। अब ये जो हमने शिमला मिर्च काट करके रखा है उसको इसमें डाल देंगे और गाजर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, तीनों चीज़ को डाल करके हमें एक मिनट के लिए इसे ऐसे ही उबालते हुए पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है और जितना प्यारा कलर लग रहा ना उससे ज़्यादा अच्छा खाने में लगता है। एक बार आप बनाएंगी ना तो गारंटी है कि आप बार बार इसको बनाएंगी। तो ये सब्ज़ी हमारी पक गई है, इसको हमने एक मिनट के लिए पकाया है। अब ये हम मक्के का आटा ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और मिलाएंगे। अब इसी में हम जो चावल का आटा लिए हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हमें इस समय धीमी रखना है, अगर हम तेज़ रखेंगे तो ये नीचे से पकड़ लेगा, फिर ये हमारा स्नैक्स ख़राब हो जाएगा, इसमें जलने की महक आने लगेगी। तो इसलिए हमें गैस को एकदम धीमा करके रखना है। अब चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। तो ये हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम दो मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। ये हमने ले लिया है एक बड़ी थाली, अब इसमें हम इसको निकाल लेंगे। आप बड़ी थाली ही लीजिएगा तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो इसको गूंथने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी गूंथना है, तुरंत गरम गरम नहीं गूंथना है। इसमें हम थोड़ी सी हरी प्याज डाल रहे हैं, वो मेरे पास रखी हुई थी, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। हरी प्याज डालना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसे हमें अच्छी तरह से
सबको मिला करके गूथ लेना है, एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिल रहा है, बहुत ही आसान है बनाना। और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। इसको गूंथने में हमें 2 से 3 मिनट लगा है। जितनी अच्छी तरह से हम गूंथेंगे उतना ही अच्छा ये तैयार होगा। अब हम एक चकला ले रहे हैं, उसमें से आधा डो हम ले लेंगे इस तरह से, और इसको लंबाई में कर लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको लंबाई में कर लिया है और हल्का सा ऊपर से हमने इसको चिपटा कर दिया है इस तरह से। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसको ये थोड़ा सा चौकोर साइज में आ जाएगा। ये हमने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकती हैं, उसके बाद काट सकती हैं और तुरंत भी काट सकती हैं। तो अब हम एक चाकू ले लेंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे और इसको हमें जितना मोटा पतला बनाना हो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा हम मोटा ही बना रहे हैं ताकि खाने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हमने सभी को काट लिया है। अब हम एक इस तरह से फ़ोर्क ले लेंगे और इसको लेंगे और हल्का सा दबाएंगे, इससे हमारी थोड़ी सी डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए, और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर आप सीधे तल देंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए हम इसको बना रहे हैं। आपके पास और कोई भी डिज़ाइन हो तो आप उस तरह से बना सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप बनाइए। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा आप लोग रखा करिए कि जितना हम बताते हैं यूट्यूबर उतना ही पहले आप बनाइए। तो देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो ये हमने सारे डो को अच्छी तरह से बना लिया है। अब हम एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह पर आप अरारोट भी ले सकती हैं, मैदा भी ले सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्नफ्लोर ही लीजिए। अब इसमें हम 4 चम्मच पानी डालेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा लेंगे। तो अब अच्छी तरह से इसको हमें मिला लेना है। तो ये एकदम सही तैयार हुआ है, जितना पतला घोल हमें चाहिए उतना पतला घोल ये बना है। इससे गाढ़ा घोल नहीं चाहिए ना इससे पतला चाहिए। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम डाल देंगे रिफाइंड तेल। तेल हमारा गर्म हो गया। अब ये जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल करके रखा हुआ इसको हमें एक बार ज़रूर चला लेना चाहिए क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अब ये जो हमने बना करके रखा हुआ है स्नैक्स उसको लेंगे इस तरह से और कॉर्नफ्लोर में इस तरह से डुबोएंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसी तरह से हम सभी स्नैक्स को कॉर्नफ्लोर में डुबो करके डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, ये एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसलिए हमें इसको दूर दूर डालना है और एक साथ ढेर सारा नहीं डालना है। तो ये हमने देखिए काफ़ी दूर दूर से डाला है। तो अब इसको हम पलट लेते हैं और गैस मेरी मीडियम पर रहेगी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीमा। देखिए
जरा सा ही नज़दीक आया और दोनों चिपक गए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा दूर से ही डालिएगा। अब इसी तरह से पलटते हुए इसे हमें ब्राउन होने तक तलना है। इसको तो सभी लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से और कितना तलना है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हम इसको निकाल लेंगे। ये ऊपर से इतना क्रंची और अंदर से इतना मुलायम कि वाह, खाने के बाद समझ में आता वाकई में यार कितना अच्छा बना। मक्के के आटे से बना हुआ इतना अच्छा स्नैक्स शायद हमने सोचा भी नहीं था, है ना ऐसी बात? तो किस बात की देर भाई, फटाफट उठिए और बनाइए, खिलाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।